जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का कर्मशील दल के गीता शिक्षण सत्र के अंदर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर हमारे शरीर के, मन के, वाणी के तप क्या क्या है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन की वह मार्गदर्शक पुस्तिका है जो जीवन की सभी पीड़ाओं से हमें मुक्ति का सबसे सुंदर रास्ता दिखाती है। जब भी हम हमारे जीवन के अंदर कहीं स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, अथवा तो पीड़ा या दुख में होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी व्यक्ति से परामर्श करना चाहिए। किस व्यक्ति का कोई सुझाव है, वो हमारे जीवन में कब कैसा काम कर जाए हमें पता नहीं लगता है, तो हम बढ़िया सुझाव लेने के लिए विद्वान लोगों से संपर्क करते हैं। लेकिन सनातनी यदि हैं आप, तो सनातन की सबसे बड़ी पुस्तिका है जो भगवान खुद जिसमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, वह है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उस स्थिति से निकाल रहे हैं जिस स्थिति में हम और आप बहुत बार फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है ना, पता नहीं हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत कुछ मैं करने जा रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। अब अर्जुन ने कहा है भगवान को कि मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं बाण नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे से श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ऐसे करके वह निढाल सा होकर रथ पर बैठ जाता है। हम और आप भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं बहुत बार कि सब कुछ होते हुए भी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो गीता के इन सूत्रों को लागू कर लेना। 5000 वर्ष पहले का यह श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद आज भी एज इट इज हम सबके जीवन में लागू होता है। और आज भी बहुत सारे लोग आप देखेंगे अपने जीवन में जिन्होंने परम को पाया है, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में यह स्वीकार किया है कि गीता उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रही थी। क्यों रही थी? क्योंकि गीता के आधार पर भगवान पूरा एक फ्रेम दे देते हैं हमें कि किस प्रकार अपने काम में हमें सक्सेस होना है। और उन्हीं बिंदुओं पर मैं बात करने जा रहा हूं। थोड़ी सी एनालॉजी दूं, पहले से लेके आज तक हमने क्या पढ़ा और आज एक पॉइंट है एफर्ट का। तो सबसे पहले भगवान गीता के अंदर 13वें अध्याय में हमारे शरीर के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, शरीर का स्वभाव क्या है वह हमें पहचान लेना है। यदि स्वभाव पहचानेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम स्वभाव के हिसाब से ये काम कर सकते हैं। तो स्वभाव पहचानना, फिर स्वभाव के हिसाब से काम क्या करना है वह देखना, और काम करते समय हमारी सोच, हमारी जो अप्रोच है वह कैसी रहनी चाहिए, वहां तक यह बात मुख्य रही। और उसके बाद में सबसे अंतिम बात है कि हमें प्रयास कैसे करने हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर, अपने काम के अंदर हम सफल हो सकते हैं, तो वो प्रयास कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं मन, वचन और कर्म की, कि तीनों जगह से जो व्यक्ति मन, वचन, कर्म से किसी काम में जुड़ जाता है तो उसको सफलता मिलती है। तो यहाँ पे मैं तीन ही तप बता रहा हूँ जो भगवान ने बताए हैं, मन के और आपकी वाणी के, कर्म यानी कर्म आप जिस शरीर से यह काम करते हैं तो शरीर के तप क्या क्या है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक के अंदर शरीर के तप के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्चते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, इनका हमेशा पूजन करना चाहिए। अब यह बात यदि काम के संदर्भ में आप देखें तो देव कौन है आपके काम में, जो आपको कुछ ना कुछ देता है। देव कौन है? वह एक एनर्जी है ऐसी, जब हम स्टक होते हैं तो उससे निकलने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि कोई देव मदद हमें कर दे। तो देव, द्विज यानी कि ब्राह्मण लोग जो है उनका, जो विद्वान है उनका, जो आपके गुरुदेव है उनका आपने हमेशा पूजन करना है। पूजन से भाव केवल यही मत ले लेना कि धूप बत्ती अगरबत्ती ये पूजन है। पूजन से भाव ये होता है कि पूज्य भाव आपके मन में उनके प्रति होना चाहिए। यदि वो आ रहे हैं तो अपने आप की ऊर्जा अपने आप ही आप कैसे उठकर खड़ा कर दे आसन से, तो उनके आदर में, सत्कार में, उनकी पीठ के पीछे हमेशा ऐसा भाव कि वो मेरे पूजनीय है, ऐसा भाव आपने रखना है, वही सही मायने में पूजा है। यह शरीर का पहला तप बताया, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। भगवान आगे कहते हैं, सोच का मतलब है शुद्धता, शुद्धता रखना, शरीर से शुद्ध रहे हमेशा। अब शरीर से शुद्धि का सीधा सीधा सिंपल अर्थ यही हो गया कि भाई बढ़िया से नहा धो करके मन की, तन की शुद्धि रखें, और अपने काम में जब भी आप लगे, अपने कर्म में जब लगे, शरीर आपका कर्म में लग रहा है तो उसकी शुद्धता का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कर्म में शुद्धता कहाँ से आएगी, इसलिए शुद्धता रखें। और आर्जवम का मतलब है सरलता रखें, अपने शरीर को कभी भी ऐसे पोस्चर में ना रखें जिससे बस असहज सा महसूस होने लगे, सरल रहे। जिस प्रकार से आप खड़ा होना है, आपको जिस प्रकार से आपको बैठना है, चलना है, मतलब शरीर को अपने एक सरल पोस्चर के अंदर रखें। सीधी सीधी बात,
यही है। उसके बाद में भगवान आगे बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का एक अर्थ तो है कि 8 प्रकार के मैथुन का त्याग करें, और यदि इसके बारे में आपने डिटेल से जानना है तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है व्यवहार में परमार्थ की कला, उसको लेकर के आए। उसके अंदर ब्रह्मचर्य नाम से एक बहुत सुंदर आर्टिकल है जिसमें इन 8 प्रकार के मैथुन के बारे में बताया गया। कुल मिला के अपने शरीर की वह ऊर्जा जो किसी एक नई जिंदगी को पैदा कर सकती है, एक नए जीवन को पैदा कर सकती है, प्रकट कर सकती है, उस ऊर्जा को आपने व्यर्थ में नहीं लगाना, यह बात मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। और मेरे गुरुदेव ने जो बताया कि ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के हिसाब से अपने आचरण को रखना, यह है ब्रह्मचर्य। तो इसमें कर्म के अंदर क्या सूत्र लागू होगा, भगवान जो कि खुद ब्रह्म है वो बहुत जगह बताते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं कि मैं कहां कहां पर हूं। अपनी विभूतियों के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, अर्जुन पांडवों में मैं अर्जुन हूं, और सूर्यवंशियों में शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, मनुष्यों में मैं राजा हूं। कहने का तात्पर्य है अपने डोमेन का जो एक्सीलेंस है, जो अपने डोमेन का सर्वश्रेष्ठ है वह मैं हूं, यानी वह व्यक्ति भगवान के समतुल्य है जो अपने काम के अंदर नंबर वन है। तो जिस काम में आपने सफल होना है, उस काम में जो पहले से सफल हो रखा है, आपके गुण का है, आपके स्वभाव का है, तो उस व्यक्ति ने जैसे जैसे प्रयास किए हैं उसके जैसा आचरण आपने अपनाना है, यह है ब्रह्मचर्य। यानी कि ब्रह्म के समान जब आप अपने कर्म के ब्रह्म के समान जब आप आचरण करेंगे तो अपने आप ही उसमें शिखर को हासिल कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा मेरिट लिस्ट में आता है तो उसके समान गुण धर्म वाला व्यक्ति दूसरा बच्चा भी यदि उसके समान ही पढ़ाई लिखाई करेगा, उसके समान ही विद्या में टाइम देगा, वैसा आचरण करेगा, तो वह भी अपने क्षेत्र के अंदर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा ही। आगे भगवान कहते हैं अहिंसा च। अहिंसा का मतलब आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने शरीर के द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, बस इतना आपने ध्यान में रखना है, और ये शरीर के तप भगवान ने बताए हैं। अब बात करते हैं आगे कि वाणी के तप क्या है। तप का संदर्भ आपने यही रखना है, हमेशा ये नहीं है कि बस ऐसे हिमालय पे बैठ गए वही तप है, अपनी जगह वह बहुत श्रेष्ठ तप है। यहाँ पर हम तप का अभिप्राय लेंगे एफर्ट, कि जो भी काम करे उसमें एफर्ट लगता है, तो जो आप बात बोलते हो ना उसमें भी आपका एक एफर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस भी बिना मतलब जो भगवान ने हमें एक सुंदर आवाज दी है उसका बिना ही मतलब हम दुरुपयोग करते जा रहे हैं या व्यर्थ में उसका उपयोग करें। इसके लिए भगवान बड़ा सुंदर है, हमें मार्गदर्शन देते हैं कि वाणी का तप क्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयेत स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्चते। ऐसा वाक्य बोले जो उद्वेग ना पैदा करे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, सत्य बोले, प्रिय हितम चयेत, प्रिय बोले, मीठा बोले, जब भी बोलना हो तो मीठा बोले, हितम चयेत, सामने वाले का भला भी हो। अब इसमें उद्वेग करने वाला वाक्य है तो सीधा सीधा आपको बताया कि गाली गलोच नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, निंदा नहीं करनी है, ऐसी चीजें नहीं बोलनी जो सामने वाले को ऐसे बेचैनी सी पैदा कर दे। सत्य बोलें, सत्य वही है, सत्य केवल परमात्मा है वैसे, पर सच का मतलब जो आपने देखा है, जो एज इट इज है वह सत्य है, इन चीजों का आपने ध्यान में रखना है। मीठा बोले, बात सत्य भी बताना है लेकिन उसको थोड़ा मिठास के साथ बोलें और हितकारी हो उसके लिए तभी बोलें। और इसके बाद में भगवान कहते हैं स्वाध्याय अभ्यसनम च, अपने अभ्यास से। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, स्वाध्याय अभ्यास। स्वाध्याय और अभ्यास का सामान्य अर्थ हम ये ले सकते हैं कि कुछ अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना अपनी वाणी के आधार पे, और अभ्यास करना नाम जप कीर्तन आदि वाणी से ये अभ्यास करना। लेकिन यहाँ पर जो मेरे गुरुदेव बताते हैं वह सीधा सीधा यह है कि स्वाध्याय, अपने ऊपर जो अध्ययन आपने कर रखा है उसके अभ्यास से जो बात बनती है, यानी जो बात आप बता रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकल आपने किया है अपने अभ्यास के द्वारा, कि ये मेरी बात है भाई, अपने अध्ययन के द्वारा जो बात आपने देखी है, अपने अंदर जाके आपने बात जो देखी है वही बात अभ्यास पूर्वक बोलना, उसके बोलने का अभ्यास करना, यह वाणी का सबसे बड़ा तप है। और यही तो महत्वपूर्ण सूत्र भी है, जिस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है तो उसके सूत्र जो है ना वो जीवन के प्रैक्टिकल ऐसे महासूत्र होते हैं जो बहुत सरलता से आपको ज्ञान दे सकते हैं। तो ये आपको वाणी के जो तप है भगवान ने हमें दिए गीता के माध्यम से, मेरे गुरुदेव ने मुझे दिए, मैंने आपको प्रदान किए। अब तीसरा तप जो है वह मुख्य तप है हमारे मन का। मन के तप के बारे में भगवान कहते हैं, मनः प्रसादय सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्यते तपोमान समुच्यते।
पहला तप। मन का एफर्ट क्या होना चाहिए कि मन है प्रसाद है, मन हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहना चाहिए। मित्रों यदि प्रसन्न अवस्था में आपका मन है ना, तो आपके द्वारा किए गए काम की सफलता की आधी शुरुआत तो मतलब अच्छी सी हो ही जाती है। भगवान हनुमान जी महाराज जब जाते हैं ना लंका के अंदर, तो वो सब वानर भालुओं को कहते हैं कि यह काम पक्का होगा, सफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरा मन बहुत प्रसन्न है। जी हाँ, यदि आप प्रसन्न मन से किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता के प्रतिशत बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको यह करना है कि मन है प्रसाद है, अपने मन को प्रसन्न अवस्था में रखने का एफर्ट करें। मन ऐसे ही खुश नहीं रहता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। जो चीज आपको अच्छी लगती है वैसा कुछ अपने मन की प्रसन्नता के लिए करें। दूसरी बात, सौम्यत्वम, सौम्यता रखें, अपने में सहजता रखें, ज्यादा टिपिकल नहीं बने। मन है प्रसाद दे सौम्यत्वम और मौन मात्म विनिग्रह, मौन रहे, आत्म विनिग्रह अपना निग्रह करते रहें, अपने मन का निग्रह करें। मन को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्या देखना है, क्या सूंघना है, क्या सुनना है, ऐसी चीजों में अपने गुणधर्म के हिसाब से आप आचरण करें। तो अपने मन को निग्रह करें, अपने इंद्रियों को निग्रह करें। भाव संशुद्धि रित्यते तपो मान समुच्यते, अपने भाव को शुद्ध रखना है। शुद्ध भाव से जब आप कोई काम करते हो, ऐसा भाव नहीं रखना कि मेरे काम के द्वारा किसी को नुकसान हो जाए, किसी को कंपटीशन देना यह अच्छी बात हो सकती है, लेकिन किसी का नुकसान करना यह बहुत बुरी बात है। तो अपने भाव शुद्ध रख करके, मेरे मन का भाव यह है कि मेरे द्वारा दिया गया प्रोडक्ट सामने वाले जीवन के दुख को किस प्रकार दूर कर सकता है, किस प्रकार वह बहुत सारे लोगों के जीवन में सॉल्यूशन बनकर आ सकता है, ऐसे शुद्ध भाव रख करके। शुद्ध भाव का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, शुद्धता भाव में रखें। यदि मन से आप शुद्ध भाव लेकर काम करते हैं तो यह आपके मन के एफर्ट हैं। मित्रों यदि आपने गीता के इन महत्वपूर्ण सूत्रों को अपने जीवन में उतारना है और आपको चाहिए कि गीता के आधार पर हमें ऐसा कोई विश्लेषण दे दे, ये वीडियो आपको बढ़िया लगा, इस कर्मशील दल में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और ऑनलाइन सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के दिए इस दिव्य मार्गदर्शन को आप अपने जीवन में लागू करें और अपने परम तक पहुँचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।